दोस्तों सिद्धू मूसेवाला के माता पिता सिद्धू के जाने के बाद उसकी यादों को ताज़ा रखने के लिए कई अधूरे कामों को पूरा कर रहे हैं। उसके सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करते नजर आए। माता पिता इन तमाम कार्यों को करने के लिए काफी हिम्मत बांधकर इन कामों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में इस बूढ़े माँ बाप के दर्द को भी लोग ख्याल नहीं कर रहे और उनके साथ काफी बदतमीजी करते हुए दिखे। आइए जानते हैं आखिर लोगों ने सिद्धू के माता पिता के साथ क्या गलत व्यवहार किया। जैसा कि आप जानते हैं, सिद्धू की शोहरत उसका व्यक्तित्व ही कुछ इतना शानदार रहा है कि हर कोई उसकी ओर खींचा चला आता है। सिद्धू लोगों की मदद के लिए भी हमेशा आगे रहते थे, चाहे पिंड के लोग हों या गांव के। हर किसी को वो अपने परिवार के हिस्से की तरह ही मानते थे। उन लोगों के प्रति चाहे हेल्थ कैंप लगवाना हो या फिर विकास कार्य, हर किसी कामों में वो काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। सिद्धू के जाने के बाद अब पिता सिद्धू की याद को ताजा रखने के लिए सिद्धू से जुड़े कई यादगार कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में मूसेवाला के सपनों को उनके पिता पूरा करते नजर आए। इन सब कामों में पिता काफी गमगीन और भावुक नजर आ रहे थे। ऐसे में कई लोग सिद्धू के माता पिता के साथ काफी गलत व्यवहार भी कर रहे हैं। दरअसल जब से सिद्धू के माता पिता से सिद्धू से जुड़े कई कार्य कर रहे हैं, जैसे आप तो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि सिद्धू की याद में उनके माता पिता ने पौधा लगा रहे हैं, तो वहीं लोग उनके साथ कई तरह की बदतमीजी करते दिखे। फोटोबाजी के चक्कर में सिद्धू के पिता के ऊपर एक गनमैन बंदूक तान के खड़ा है, तो कोई जबरदस्ती पिता के साथ फोटो लेने की कोशिश कर रहा है। अगर सिद्धू मूसेवाला होते तो शायद अपने माता पिता के साथ ऐसा सुलूक हरगिज ना होने देते। इस बूढ़े माँ बाप की उम्र और दुख का भी लोग ख्याल नहीं कर रहे। इस मुश्किल घड़ी में हमें सिद्धू के माता पिता की भावनाओं की कदर करनी चाहिए, बल्कि इस तरह की फोटोबाजी व जहालत से दूर रहना चाहिए। हालांकि किसी का दुख दर्द बांटने के लिए हमें कैमरा या फोटो लेने की क्या जरूरत। लोगों को इस बुरी हरकत से बाज आना चाहिए। पिंड के लोगों को ऐसे लोगों को रोकना चाहिए जो सिद्धू के पिता के साथ इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मसले क्या राय रखते हैं व सिद्धू के माता पिता की स्थिति पर क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पब्लिक इन्फ्लुएंसर को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।